इधर वाले में हूँ। वो नहीं वो नहीं वो नहीं, उधर है इधर। हाँ ये वो नहीं। अरे भाई वो दफ्तर ना, ऐसा ना लगे कि अनपढ़ लोग पकड़े। ये लो अपना, ये वहाँ से और दफ्तियाँ उठाइए। निजी स्कूल की मनमानी, निजी स्कूलों ऊपर आगे खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पीछे जो बैठा है कैसे दिखेगा। मेरा नाम प्रवीण है और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं अभिभावक, और हमारा जो विरोध है वो जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, जो आज इस लेवल पे आ गई है कि उन्होंने इनको कुछ कानूनों का अनुपालन करना है सरकार के बनाए हुए, तो ये उसके खिलाफ पूरा भारत बंद कर दिया है। पूरे भारत में प्राइवेट स्कूलों ने आज बंद कर रखा है। हमारी मांग है कि पहली बात तो जो हमारी मूल मांग ये है कि शिक्षा का निजीकरण होना ही नहीं चाहिए। सारे स्कूल जो हैं वो सरकार ठीक से चलाए, जो प्राइवेट स्कूल हैं भी वो पूरी तरीके से सरकार के कानून का पालन करें, और अगर वो पालन नहीं करते तो उनके स्कूलों को टेक ओवर करके गवर्नमेंट अपने स्तर से चलाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी मूलभूत चीज़ है जिसका बाजारीकरण नहीं किया जा सकता, वरना ये समाज और देश के लिए बहुत घातक सिद्ध। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और यहाँ पे आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी ये उनका ये हाल हो गया है कि वो गरीब हो अमीर हो सब परेशान हैं उनसे। कभी फ़ीस बढ़ा दे रहे हैं, कभी एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, कभी उनको किसी स्पीकर को बुला रहे हैं उसके 2,000-3,000 बच्चों के सर पे बिल फोड़ दे रहे हैं। तो ये परेशानी ये है कि ये तो बेचारे गरीब हैं, इनको तो बड़ा मुश्किल है। जो मिडिल क्लास है वो परेशान है इनसे, तो इनके बारे में हम क्या क्या शिक्षा है वो सबके लिए होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, है ना। इसका जो व्यवसायीकरण है ये इतना हो कैसे रहा है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, तो सरकार को ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको क्लास 1-2-3 तक में फ़ेल कर दिया गया है। वहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं, जो लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि क्लास 3rd तक 4th तक जो CBSE की गाइडलाइन है उसमें इनको फेल नहीं किया जा सकता है। इसकी आप बात कर रहे हो, ये क्या है, स्कूलों से इनका कुछ अपना अंदर की सेटिंग होती है और उसमें ये क्या करते हैं कि आए दिन ये बुक्स बदलते हैं। बुक्स सरकार का फैसला कहीं ना कहीं पे नाकाम साबित होता है। देखिए सरकार के कुछ फैसलों पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर कुछ फैसले हैं भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई स्कूल मान नहीं रहा है उस चीज़ को, और आप भी ये समझ रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो स्कूलों से सब लोग इस समय परेशान हैं। जा रहा है जो पढ़ाई